सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास घड़ी ठीक बजा रही है 8, आपके पास सादा जैन जनक कर रहे हैं आज की शुरुआत। कभी सोचा आपने, बिल्कुल उत्तर चले जाते हैं, चार धाम में से एक बद्रीनाथ। बद्रीनाथ देख रहे हैं प्रतिमा आप। जैन भाई कहते हैं यह आदिनाथ भगवान ऋषभनाथ भगवान की यहाँ पर यह प्रतिमा विराजमान है। हिंदू भाई कहते हैं यह विष्णु भगवान की यह मूर्ति है और उन्हीं का यह धाम है। विवाद रहता है, कहते हैं आचार्य विद्यानंद जी भी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था देखते ओ ऋषभनाथ, देखते ही कहा था, पर विवाद वहीं का वहीं रहता है। इसी तरीके से दक्षिण में आ जाते ना तो 29 जुलाई 2013 को जैन गजट में छपी खबर पर आंख रुक जाती है। क्या लिखा हुआ है आप ये? तिरुपति बालाजी श्री नेमिनाथ जी का यह कहो जैन मंदिर है। अभी आप देखिए अभिषेक के तिरुपति बालाजी के बहुत प्राचीन दृश्य आपके लिए खोज कर लाए हैं, पहचान के लिए आप पहचानिए इन्हें। वेंकटेश्वर हैं, बालाजी हैं या विष्णु जी के ही अवतार हैं, ये हमारे हिंदू भाई कहते हैं। और जैन भाई कहते हैं यह तो साफ मूर्त लग रही है खड़गासन नेमिनाथ भगवान की। विश्वास नहीं होता, इस विवाद के बीच में कोई हल नहीं निकलता है क्योंकि किसी बड़े संत या आचार्य या किसी समाज से इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। गूगल से निकालते हैं, ढूंढते हैं और हम सामने अपनी पहचान से हम मुद्रा को पहचानते हैं। अभी हाल में आचार्य श्री शुद्ध सागर जी ने, आप ये अभिषेक देखते रहिए, विहार किया था जोशीमठ बद्रीनाथ की ओर। उन्होंने वहां जाकर स्वयं देखा और आप हैरान हो जाएंगे, बद्रीनाथ जी पे जो विष्णु भगवान जी की मूर्ति है ना उस पर शांति धारा कराई। उनके अनुसार जैसा हमारे विद्यानंद जी कहते थे महाराज, यह आदिनाथ जी की प्रतिमा है और बड़े शांति से इस पर शांति धारा हुई। विश्वास नहीं होता है पर उन्होंने यह बात दिल्ली लाल किला मैदान पर खचाखच भरी धर्मसभा में, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, हेल्थ मिनिस्टर पहचान जाएंगे आप, और पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके समक्ष टोक टोकर बताया कि वह तो जनाब सारी जैन मूर्तियां ही हैं। अब जब संत बोलते हैं, एक आचार्य बोलते हैं तब तो हमें कुछ विश्वास करेंगे। एक बार सुन लीजिए उन्हीं से। भगवान ऋषभदेव को वेद में हरि बताया और जिन सहस्र नाम में भी 1008 नाम में एक नाम हरि लिखा है कि भारतीय संस्कृति का शुरुआत जो है बहुत अत्यंत प्राचीन काल से जैन धर्म का चलता आ रहा है भगवान ऋषभदेव के। अच्छा, दूसरे ऋचा आपको सुना रहा हूं, बहुत सारे थोड़े सुना दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला कम से कम मैं सारे चीजें बताऊंगा। हाथ जोड़ो, वृषभो सनातनः, भगवान ऋषभदेव कौन है? सनातन है। ये कौन कह रहा है? वेद, बोलो, ऋग्वेद में लिखा है भाई। हाँ, वृषभो ही देवः, बोलो, महादेवः। बताओ, बद्रीनाथ गया में वहां के रावल जी, मेरे जो मित्र है शंकर, उनके बांजे हैं वहां के जो रावल है, उनने सारे चीजें मेरे को बताया दिखाया। और जोशीमठ जहां पर अभी क्रैक आ रहे हैं वहां सारे मंदिर अपने मंदिर है, मूर्तियां भी अपनी है सारे, उन्होंने दिखाए अंदर ले जाकर के डॉक्टर साहब, सारे मूर्तियां अपनी है, जैन मूर्तियां अभिषेक करके दिखाया हमने, शांतिधारा कराया, शांतिधारा भी करके आ गए। प्यार से करो, कहीं भी जाओ, तिरुपति जाओ, बालाजी जाओ, सब जगह आपको जैन मूर्तियां मिल जाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, संस्कृति ऐसी है, एक दूसरे में मिली जुली है, गुली मिली संस्कृति है। वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये आपस में मिली गुली है, जिन्हें समझने वो लड़ते हैं। अब करिए आप बात, मंथन कीजिए, सोचिए, विचारिए, क्या बात है। बद्रीनाथ में बैठे हैं आदिनाथ और तिरुपति बालाजी में बैठे हैं नेमिनाथ। हिंदू भाई कहते हैं वहां पर हैं विष्णु जी स्वयं और यहां पर हैं विष्णु जी के अवतार। मसला ऐसा ही है, मूर्ति आपने भी देखी है और आचार्य श्री ने वहां जाकर शांति धारा भी कराई है। अब सोचिए क्या है, चिंतन के लिए आप पर निर्णय छोड़ते हैं। सादर जय जिनेंद्र।